और चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो जोधपुर पहुंच चुके हैं। सीएम भजनलाल ने भी मन की बात का 113वां एपिसोड सुना और बताते चलें कि आज क्योंकि जोधपुर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दरअसल यहां पर कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में मौजूदगी रहेगी प्रधानमंत्री मोदी की। 2 घंटे रुकने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जोधपुर पहुंच चुके हैं क्योंकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और यहीं पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। 113वां एपिसोड ही रहा और ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल प्रसारण यहाँ पर किया गया था मन की बात के 113वें एपिसोड का, और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मन की बात को सुनते हुए। और आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जोधपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और 2 घंटे रुकने का उनका कार्यक्रम है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए अरुण हर्ष की मौजूदगी है। अरुण हर्ष, आपके पास आते हुए हमने तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 113वें एपिसोड को सुना है, आप सुन पा रहे हैं क्या अरुण हर्ष? जी जी मणि बताया। क्योंकि जोधपुर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 बजे का वक्त आपने बताया था जब पीएम मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री के जोधपुर में मौजूदगी है, हमने तस्वीरें देखी मन की बात के कार्यक्रम को यहां पर सुनते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? मणि, अगर बात की जाए जिस तरह से आज जोधपुर के लिए वाकई एक बड़ा दिन कह सकते हैं, स्वर्णिम अवसर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में आ रहे, साथ ही साथ प्रदेश की सरकार जोधपुर में कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी जोधपुर में है, साथ ही साथ कई मंत्री हैं जो जोधपुर में है। फिलहाल की बात की जाए, अब से कुछ देर पहले रेलवे स्टेशन पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं ने और विधायक ने और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया था। वहां से सीधा वो SN मेडिकल कॉलेज या जहाँ हम खड़े हैं वहां पर आए और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह से इस कार्यक्रम के बाद में जो है कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और जो कार्यकर्ता बनाने का जो अभियान है उसके बारे में जो है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री है जो कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे, तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना और अब कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। उसके बाद में जो अगर बात की जाए तो रामद्वारा जो है सुरसागर स्थित वहां जाने का उनका कार्यक्रम है और दोपहर में जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी है। इसके अलावा जो जन सुनवाई के लिए भी सर्किट हाउस में कहा गया है कि जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई होगी, लेकिन कह सकते हैं 4 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंचेंगे और उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां सारी हाई अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ जो सरकार प्रदेश की या जोधपुर में तो इसको लेकर भी प्रशासन पूरा जो अलर्ट मोड पर है। मणि, क्योंकि बैठकें चली, हमने कल देखा अरुण हर्ष, कल बैठकें चली हैं, क्या दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं जो बैठक बुलाई गई जोधपुर कमिश्नर की ओर से सुरक्षा को लेकर? देखिए, अगर मणि मैं सुरक्षा की बात जो पुलिस कमिश्नर ने और DGP खुद UR साहू यहाँ पहुंच चुके हैं तो आप देखिए सुरक्षा की ये व्यवस्था है, अंदर आने से पहले अगर पहले मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद ही सादा वर्दी में जवान तैनात खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, एडिशनल लेवल SP लेवल के अधिकारी यहाँ खड़े हैं, तमाम सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है और सिक्योरिटी के साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है एक जिला एक उत्पाद की तरफ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि हर एक जिले में जो भी वहाँ के उत्पाद है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तो ये प्रदर्शनी भी जो है लगाई गई है जिसमें कह सकते हैं पश्चिम राजस्थान और जोधपुर में जो हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड ज़्यादा रहती है और यही कारण है कि एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री है वो अंदर हॉल में जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं बाहर पूरी सिक्योरिटी की गई है, बिना किसी सुरक्षा जांच के किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का भी आने का। आप देखिए मंच पर अब जो है सदस्यता अभियान का जो है कार्यक्रम शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री मंच पर आ चुके हैं और जो प्रदेश सचिव जिला जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सहित कैबिनेट मंत्री जो है जोगाराम पटेल है, मदन दिलावर, तमाम जनप्रतिनिधि जो है वो मंच पर आ चुके हैं। अब कार्यकर्ताओं को है मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे।
और नगर निगम दक्षिण अरुण हर्ष, अगर आप सुन पा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपने जानकारी दी है, और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है वो आप बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी आज कार्यक्रम रहने वाला है क्या? कहाँ कहाँ आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी जोधपुर में? देखिए, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अब से कुछ देर जो जिला सदस्यता अभियान जो शुरू होना है, जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया था 1.25 करोड़ से ज्यादा जो है कार्यकर्ता बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आज अभियान का शुरुआत की जाएगी। और मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम में पहुंच चुके। बात की जाए अगर प्रधानमंत्री, 4 बजे के करीब वो है जोधपुर पहुंचने वाले हैं, और जोधपुर आने के साथ ही साथ राजस्थान हाईकोर्ट में एक म्यूजियम का वो उद्घाटन करते हैं, और के साथ साथ वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज लेके तमाम न्यायाधीश पहुंच चुके। 4 बजे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच और राजस्थान हाईकोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताएं पीछे आपके नजर आ रहे हैं मुझे, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन भी दरअसल रखा गया है। मैं चाहूंगी कार्यकर्ताओं से अगर आपकी बातचीत हो पाए तो। पूरा हॉल भर चुका है जिस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर उठा है, और यही कारण है कि पूरा हॉल भर चुका है मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में। और तमाम जो आप देखिए पुलिस की यहाँ अंदर भी सिक्योरिटी लगाई हुई है, व्यवस्था की गई है। प्रदेश की सरकार शहर में, मंत्री कई शहर में, और साथ आज एक बड़ा दिन है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रदेश देकर जाएंगे जोधपुर, विशेष तौर पर राजस्थान। अरुण हर्ष, क्या कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? नहीं मणि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनिंदा लोग जो है वो ही मिल पाएंगे, जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री सिक्योरिटी है एसपी जी ने जो नाम फाइनल किए उसमें जनप्रतिनिधि मंत्री है और मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है उनके नाम फाइनल है। लेकिन आम कार्यकर्ता से मुलाकात का कोई भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं है, लेकिन कह सकते हैं बड़े ही सुरक्षा के दृष्टि से जो व्यवस्था की गई है और उसी को लेकर जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक लिस्ट है उसको लिस्ट को तैयार करके, यहाँ तक कि हाईकोर्ट का जो कार्यक्रम है उसमें 2000 लोगों को ही इनवाइट किया गया है, उससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते। तो कह सकते हैं सिक्योरिटी की दृष्टि से आम कार्यकर्ता से मिलेंगे, लेकिन जोधपुर के लोगों को उम्मीद है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मंच से शायद प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा जोधपुर और पश्चिम राजस्थान के लिए करके जाए। इंतजार रहेगा क्या महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी, और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप जानकारी अरुण हर्ष पहुंचा रहे हैं, आगे की डिटेल भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।